शशांक सिर के लिए चिंतित हैं क्योंकि वह उसके साथ कुछ संबंध महसूस करता है। यह शशांक सिर माँ से मिलने की पेशकश करता है। शशांक सिर को बताता है कि वे लंबे समय से संजीवनी में काम कर रहा था और फिर भी वह सिर की माँ से कभी नहीं मिला। सिड उसे इस बार उससे मिलने का आश्वासन देता है। दूसरी ओर सिड माँ शशांक से बचने की कोशिश कर रही है। सिड माँ अपनी पहचान छिपा रही है लेकिन ऐसा तब तक नहीं होने देगी जब तक वे आखिरकार शशांक के सामने नहीं आते। शशांक और सिड माँ के आंसुओं में बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ शशांक ने अपनी बहन को याद किया है जो सालों पहले घर से चली गई थी और आखिरकार वे उसके साथ है। ईशानी जीवन नया मोड़ ले रही है क्योंकि वह सिड के लिए अधिक चिंतित और प्यार कर रही है। ईशानी सिड से दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और सिड की देखभाल के लिए सभी उपाय करती है। यह ईशानी सिड के साथ नाचने और रोमांस करने का सपना देखती है और वे कल्पना करती है कि सिड उसके साथ कितना प्यार से नाच रहा है जबकि उसका सपना टूट गया था और वे सिड और अन्य लोग ईशानी को सभी अजीब चीजें करते देख हैरान थे। ईशानी और सिड के प्यार का धमाका ईशानी को टक्कर देने वाला है क्योंकि उसे आखिरकार एहसास होगा कि वे सिड के साथ प्यार में है। क्या ईशानी इसे स्वीकार करेगी और अपना दिल सिड के सामने व्यक्त करेगी? सिड और ईशानी की केमिस्ट्री बदलती दिख रही है क्योंकि ईशानी को सिड से प्यार हो रहा है और ये बात सभी को अच्छी तरह से पता है। ईशानी सिड के आसपास रहने की हर तरह की कोशिश कर रही है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। यहाँ सिड और ईशानी ने कुछ खूबसूरत पलों को साझा किया और ईशानी ने सिड के साथ नृत्य के सपने देखे जबकि ईशा भी इसे पचा नहीं पा रहा है और सिड और ईशानी को खुश होने के लिए तैयार नहीं है। ऋषभ सिड और ईशानी के इस प्यार को घृणा में बदलने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है और इस तरह ईशानी को सिड से दूर रखने के लिए प्रयास कर रहा है।